केने प्यान दे भाई मने मने शक्कर की चाय प्यान भाई ए डेड के भी जो शक्कर बोलता है मैं सच बोलता हूँ गाइस बिल्कुल सच अपने दिलो दिमाग से सच अपने दिलो दिमाग से सच बोल रहा हूँ मैं इसे वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ वाह ये क्या चीज है देखो गाइस लट्टू लगा दिया मैंने गाइस और यहाँ मेरी दादी ने सीढ़ी पकड़ के रखी थी थैंक यू दादी थैंक यू वेलकम 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 हेलो फ्रेंड्स तो क्या हाल आप लोगों के आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो स्वागत आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8:30 बजे क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया था और जल्दी तैयार हो चुका हूँ। और आज है वीरवार और आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं पक्के पुल पे धोख मारने के लिए आई मीन पूजा करने के लिए। वहाँ पे मेरी बहन पहले जा चुकी है जो हमारे गाँव से बस जाती है। मैं थोड़ा लेट हो गया उस बस को मैं पकड़ नहीं पाया। अब देखता हूँ मैं यहाँ से कैसे जाता हूँ और हम लोग मिलते हैं आप लोगों को वहाँ पक्के पुल पर जहाँ हम पूजा करेंगे। और यहाँ पर मिलवा देते हैं सचिन से भी पहले। देखो गाइस कैसे उदास सा चेहरा इसका लग रहा है। पेपर अच्छा नहीं हुआ पहला ही पेपर था हिंदी का अच्छा नहीं हुआ। अब तो 4 दिन बाद पेपर है। और यहाँ मेरी मम्मी माँ देखिए एक बार ठीक है जाऊँ कॉलेज में अच्छा है ठीक है मेरी मम्मी बात मांग रहे गाइस। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं आप लोगों को पक्के पुल पर वहीं पहुँच कर। तो गाइस अभी हम यहाँ आए हैं पक्का पुल धाम पर। हम लोगों ने यहाँ धोख मार लिया मैंने मेरी बहन ने। अंदर काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाया तो इसलिए मैं बाहर आकर ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ से चलता हूँ कॉलेज। देखते हैं यहाँ कोई बस रुकती है वरना तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा टेम्पो में। तो चलिए गाइस हम कॉलेज पूछ कर मिलते हैं आप लोगों से। और गाइस यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ अपने कॉलेज के चौक पर और पक्के पुल से भी मैं बाइक की लिफ्ट लेके आया था। तो चलिए गाइस अब हम कॉलेज में चलते हैं अंदर। मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज के गेट पर। तो गाइस मैं यहाँ कॉलेज में अंदर आ गया। तो फाइनली गाइस हम आ गए क्लास में और ये मिली साहिल से है राम बीर बैठा। और वो अभी हमारी इंग्लिश की क्लास अलग ही नहीं लेकिन हिंदी की लगेगी हमारे टीचर आने वाले हैं बोले। तो गाइस हमारा सर आ चुका है अभी हम क्लास लगाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस अब हमारी है ज्योग्राफी क्विज कंपटीशन। हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी की क्विज कंपटीशन खत्म हो गई है जैसा मैंने बताया था। आज हमारी क्विज कंपटीशन थी और जो हमारी टीम मैं साहिल और रामवीर हमारी टीम थर्ड आई है गाइस। थोड़ा सा गलती 25 लेकिन मजा आया। हमें दो क्वेश्चन आते थे लेकिन हम वे बता नहीं पाए आप तो भी आ जाइए। रामवीर हम हमारी टीम गाइस थर्ड आई है हमारी 25 मार्क के साथ सेकंड टीम सर थर्ड टीम रही। तो गाइस हमारा कंपटीशन खत्म होते होते 1 बजने वाला है और हमने सोचा कि हम पहले लंच कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी जो क्लास बाकी रह रही है वो कंटिन्यू करेंगे लगाएंगे बाकी मजा आएगा गाइस क्विज करके। हमें कुछ नया नया सीखने को मिलता है। पहले तो हम सोच रहे थे कि हम भाग ही नहीं लेंगे लेकिन फिर हमने सोचा अगर कुछ भी नहीं हुआ कुछ सीखने को तो मिलेगा। हम पोजीशन भी नहीं हासिल हुई तो कुछ तो सीखने को मिलेगा नया इसीलिए हम सब ने उसमें भाग लिया और हम थर्ड पोजीशन हासिल की। अब हमें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर पहले खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। अपने यहाँ लंच कर लिया है अब ये जाएंगे अपनी क्लास में। मैं सोच रहा हूँ लाइब्रेरी में चलते हैं हम तब तक अब हमारी 3 बजे क्लास लगेगी। इतना मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ लाइब्रेरी में जाके। चलो भाई क्लास के बाद मिलेंगे थारी। चलिए गाइस हम न्यूज़ पेपर पढ़ने चलते हैं लाइब्रेरी में। और हाँ आज मेरी म्यूजिक की क्लास नहीं लगी थी तो मैं अपनी अटेंडेंस लगवा के आता हूँ। फ्रेंड्स हम लाइब्रेरी से आ गए हैं सीधा। हमारे जो क्लास में अभी लगने में 15 मिनट बाकी हैं क्लास लगने में। हमारे सर आए हुए हैं अभी आने वाले। अरे बैग नहीं छेड़ा। तो इतने सारे आ चुके हैं हमारी क्लास में अभी हमारे सर आने वाले हैं और यहाँ मैं बैठूँगा। तो चलिए गाइस हम ज्योग्राफी क्लास लगा कर घर जाते वक्त मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस हमारी ज्योग्राफी क्लास खत्म हो गई है और हम यहाँ आ गए हैं हमारे कॉलेज वाले चौक पर जहाँ से हम बस लेकर के जाएंगे अपने घर। तो चलिए गाइस हम पहले घर पहुँचते हैं। घर पहुँच कर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ चुका हूँ कॉलेज से। मैं आ चुका था 5 बजे घर पहुँच चुका था। अभी मैं 5:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ वो लोग को बनाना। यहाँ सचिन भी है घर में ही। आज मेरी मम्मी भी गई है काम पे और मेरे पापा भी गए हैं सुबह जा चुके थे यहाँ थी।
सोने भी रखो भाई, ये देखो पढ़ती पढ़ती सो गई, कितना पढ़ती है ये देखो मनीषा, कितना पढ़ती है ये, पढ़ती पढ़ती नींद आ गई उसे। और ये दीक्षा, हेलो दीक्षा, क्यों कहते हैं बुखार ठीक है तेरा, बुखार तेरा बुखार ठीक है, तेरा बुखार ठीक है ठीक, हेलो कर देते बस एक बार हेलो। ओ मेरा दादी कहीं गई, मेरा दादी कहीं बाहर गई, बाहर गई मेरा दादी, मेरी दादी, दादी क्या हाल है, क्या हाल दादी, क्या हाल है बता पहला, ठीक हाल तो और क्या हाल, नंबर अच्छा। यहाँ मेरी बाबियाँ बस नमाज रही हैं अपने अपने, के खेल रहे हैं, के खेल फिटो, हाँ तो कमी बच्चे खेल रहे फिटो, लेकिन तुम चार जने फिटो खेल रहे हो, जसबीन पूरा यह देखो, मैं दादी चाय पी रही है, मैं ताई के घर आ गई, शक्कर की चाय पी रही है, मैं ताई भी चाय पी रही है, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कटोरे पीते गाइस, देखो इससे पोते हैं शक्कर की चाय पे आऊं भाई, मन है हां के इन्हें के नहीं प्यान दे भाई, मन है मन शक्कर की चाय पे आऊं भाई, ए डेढ़ के भी चाय शक्कर की कमरी के क्या पोते देख कमर, ये तू नहीं खा रहा, तेरे देख लूंगी वो बतेरे, तेरे भी कैमरा देख कर मैं तो करना, मैं मेरे पोते कौन को, मेरे पोते भी देख कमर, ये कुत्ता देख के खा रहा, तेरे देख लूंगी वो बतेरे कैमरा, तेरे ना देख के मेरे बेटे, तो मैंने भी नहीं, जो तेरी जिंदगी तेरे निकालता है नहीं, मैं दादी होगा जिंदगी की जरूरत निकालता है, देख रहा तेरा, मेरे ध्यान देखना, चाहे तड़का मर जा भाई, ब्याह लगमन माना कर सक जाओ, ई बे हो जाता है, मैं तो अपनी मर्जी में सक मैं मार भी बेसक ना, ई बात तेरे मेरा सही है, थाली थाली दिन ना को सारे ब्याह दे के तने, इसका शेके का चिन्नू का साहिल का, हां सारा का ब्याह दे, और ना देख के सारा का ब्याह दे, सारा का एक सुबह मारी मैं, तो गाइस अभी मैं वहां बाहर से घर आ गया हूं, और यहां पर पूरे 6 बज चुके हैं, और मैंने अपना कल वाला व्लॉग जो था 1 तारीख का वो अपलोड भी कर दिया है, तो आप मेरे ब्लॉग को जरूर देखा करो गाइज, और मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की अपने ब्लॉग्स में, अपने बोलने के तरीके में, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट के साथ मैं आप लोगों को नए नए ब्लॉग दिखाता रहूँगा, आप लोग मुझे देखते रहना, आया यार दादी माँ, मेरे दादी को पोते दादी, हाँ मेरे और क्या मच्छे के, तेरी माँ तो कहता है दादी को दादी, और क्या है कहा नहीं रही थी तेरी माँ, और क्या तो थारी दादी तो मर रही है, पुरानी बात याद करा नहीं करते, पुरानी बात याद करा करते और गए मन तक कही थे जब फिर उसने मरी ही नहीं काटे रोटी खाऊंगा तू हाथ धो ले, इतना कटेल भाई, और मेरी बात बता रही और यहाँ देखो मनीषा बर्तन धो रही है, मनीषा कैसा लग रहा है बर्तन धोते हुए, देखो गाइस कैसा लग रहा है, क्या महसूस करिए तुम बर्तन धोते वक्त, बोलो चला, कुछ तो बोलो चला, क्या महसूस करिए बर्तन धोते वक्त, चला नौकर कहीं की और यहाँ पर हमारे पीर पर आज से ही धोख लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो होली वाले दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि पूरे गांव में हमारा एक सबसे बड़ा पीर है जो कि हमारे मोहल्ले में है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगेगी गाइस होली वाले दिन, होली भी आने वाली है, बहुत अच्छा व्लॉग आएगा होली का भी, और यहाँ देखो गाइस ये पता नहीं कहाँ का फिरता रहता है लोफरों की तरह, अभी अभी मिला मुझे जस्ट स्टोरी है वंशु सेक्की, मेरे ताऊ का छोर सेक्की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मनीषा हमारा दूध लेने जा चुकी है, अपना भी दूध वो लाएगी और हमारा भी लेके आएगी दूध आज, और ये क्या यहाँ तो लाइट भाग गई गाइस हमारी, देखो अंदर मेरी बहन फोन की रोशनी में खाना बनाती हुई, गाइस छत पे चढ़े बहुत दिन हो गए, चलो छत पे, छत का भी देखते हैं हम आज कैसा है, छत पे चलते हैं, चलो ये हमारी टूटी फूटी सीढ़ी कभी भी धोखा दे सकती है सीढ़ी हमारी, तो हम यहाँ गए अपनी छत पे गाइस, और यहाँ का व्यू देखो वाह यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, और ये हमारे देश का तिरंगा झंडा, और जो सूरज है बिल्कुल डूब चुका है, वाह मजे आ गए गाइस छठ कर यहाँ पर, और यहाँ मैंने अपना जो फर्स्ट व्लॉग
फर्स्ट व्लॉग मैंने यहाँ शूट किया था अपना गाइस, यहाँ फ़ोन रखा था मैंने और यहाँ बैठा था मैं ऐसे, और मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया था जैसे आप लोगों ने देखा होगा। वो देखो मेरी उसमें वो भी ऊपर आ रहे, मेरी रील्स में मुझे कॉपी करके वो भी ऊपर आ रहे हैं, देखो गाइस। और के नाम मैंने कॉपी करके होगा गाइस ऊपर ही। हाँ बोलो बोलो कुछ। और गाइस ये देखो ना, ये आ गया, बहुत दिनों बाद आया है ये हमारे साथ मिलने। चलो ये देखो गाइस हम पैंडे पे बैठते हैं। तो गाइस इसका फोटो एडिटिंग नहीं आती ना, बीट कर रखी है गाइस। हाँ व्लॉग एडिटिंग नहीं गाइस, व्लॉग मैं एडिटिंग करता हूँ, ये बस थोड़ी बहुत ही फोटो कर लेता एडिट ले, नहीं तो वीडियो जो व्लॉग है वो एडिट मैं ही करता हूँ। इसकी वीडियो जो स्लो मोशन वाली वीडियो होती है, इसकी रील होती है, वही एडिट करके वो मैं देता हूँ इसे। मारे क्यों, झूठ नहीं बोलता है, मैं सच बोलता हूँ गाइस, बिल्कुल सच, अपने दिलो दिमाग से सच, अपने दिलो दिमाग से सच बोल रहा हूँ। मैं इसे वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ। वाह ये क्या चीज है, देखो गाइस, वाह ये देखो, ये देखो गाइस, एनाबेल डॉल की बहन, छोटी वाली एनाबेल डॉल की बहन, ये देखो बचपन में खेला करते थे गुड़िया से, उतरी वो टूट गई। हमारी छतरी डिश टीवी इतनी पुरानी, अगर इसे हमने छेड़ दिया, अगर इसे हिला दिया तो हमारे चैनल भाग जाएंगे। अभी यहाँ बिल्कुल अंधेरा होने वाला है और काफ़ी देर हो गई हमने, हम मैंने और मेरे भाई ने यहाँ हम कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो चलेगा सब हम नीचे, चलते जल्दी, चल चल नीचे, चल 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 देख कर उतरिए, बहुत टुटन और सीढ़ी जमी उतरी हुई तो हम तरह डर लगे भाई। चलो गाइस नीचे उतर लेते पहले। तो गाइस मैं नीचे आ गया हूँ और मेरी चाची ने नीचे से ही बोल दिया था कि हमारा लट्टू लगा दे, लट्टू ब्रांडे का लट्टू, हम मेरे चाची और ब्रांडे का लट्टू फूज हो गया है और यहाँ मुझे लट्टू लगाना है नया वाला। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लाइट बाल लेता हूँ मैं इसकी, ऊपर लट्टू चढ़ाना मैं और इस चल बिल्कुल नाजिक सी सीढ़ी से देखा पकड़ के रखी दादी, दादी ले थोड़ी सी सीढ़ी पकड़ ले दादी ना, फोन तो मैं उचाना भी देखना, पकड़ ले दादी रे, तो इसे उतार देते हैं, ले तो लड़की नु ये वाला चढ़ाना है गाइस एलईडी बल्ब, ताकि रोशनी हो, ताकि एनर्जी कम खाए, लाइट कम खाए। तो गाइस यहाँ लट्टू बल चुका है, चलिए हम नीचे उतर लेते हैं। लट्टू लगा दिया मैंने गाइस और यहाँ मेरी दादी ने सीढ़ी पकड़ के रखी थी, थैंक यू दादी, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। तो गाइस यहाँ मनीषा दूध लेके आ चुकी है, दे मां दूध दे, दे दे मनीषा मां दूध। और गाइस ये मैं अपना डोलू ले लेता हूँ, इसे दे तोड़ दे, तोड़ दे मां डोलू, क्या क्या नहीं बोलना, जरा बोलना मैडम जी, बोलना बोलना क्या, कड़ी तोड़ो। अच्छा बस यही बोलना था, चलिए मैं दूध लेके आ गया हूँ। हमारी तो लाइट भाग चुकी है क्योंकि मेरे चाचू के वहाँ इन्वर्टर है, ओ ओ आएगी लाइट कुछ है। तो गाइज हमारी लाइट आ चुकी है यहाँ पर, लट्टू बाल देता हूँ मैं बाहर का, ये देखो गाइज आ गई हमारी लाइट। टाइम हो गया 7:45, 7:15 बाकी हैं और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, काफ़ी लेट हो जाते हैं आने में, मेरे पापा तो और मेरी मम्मी तो 7 बजे आती है, अभी आने वाली होगी 15 मिनट में। तो गाइस मेरे पापा को आने में देर हो जाएगी ड्यूटी से, तो मैं यहाँ पर पूजा कर देता हूँ तब तक। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पूजा करता हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस मैंने यहाँ पर पूजा भी कर दिया है और मेरी मम्मी भी आ गई गाइस, देखो मेरी माँ आ गई, माँ नमस्ते, ठीक है कैसे होगा फैक्ट्री में काम सही हो गया। तो यहाँ फिल्म आई हुई है गोलमाल फन अनलिमिटेड, गोलमाल फिल्म आई हुई है गाइस। तो यहाँ सचिन अपना खाना डाल रहा है, सचिन उसमें डाल रहा है प्लेट में, तो मैं भी सोच रहा खाना खाने की, खाऊ नहीं सोच। तो आज हम लोग डिनर में बनाए है दाल और रोटी, आज हमारे डिनर में है दाल रोटी। तो गाइस अब मैं भी खाना खाता हूँ और अभी इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। किस प्रकार मैंने आज का अपना पूरा दिन स्पेंड किया वो मैंने आप लोगों ने मेरे इस पूरे
इंटरेस्टिंग ब्लॉग के माध्यम से देखा। तो फ्रेंड्स, मैंने कॉलेज में तो बहुत ही कम ब्लॉग बनाया, जितना भी मैंने घर आकर बनाया वो सारा आप लोगों को दिखाया। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इस ब्लॉग में इंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने सच में इस ब्लॉग में इंजॉय किया है और सच में आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और लास्ट में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड टेक केयर, बी हैप्पी। तो हम फिर मिलते हैं एक और अपने नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।